गांव ज़्यादा दूर नहीं है, 7 मील दूर है, सामने बानेड़ देवी का। तो रास्ते भर जो जो देखने को मिलता था, महिलाओं का बिल्कुल हालत में, गरीबी की हालत में बैठे रहना आंगनों में, किसी का मडुआ कुटना, किसी का चक्की पीसना, किसी का लकड़ी का गट्ठल लाना, कहीं घास का गट्ठल लाना, इनको देखा करते थे या उसी रूप में उनके परिश्रम को देखा करते थे। देखो यार, दिन भर ये औरत महिला जो है इतना काम कर रही है, ये दिन भर करते करते थकती नहीं है, इसके घर में भैंस भी बधी है, पति इसका परदेश में है, बच्चा भी है छोटा सा, कैसे इन सबको ये मैनेज करती होगी करके ऐसे कुछ विचार आते थे। कहीं खेत में बकरी आकर सब उजाड़ खा जाती होगी, कहीं खेत में बकरी आकर सब उजाड़ खा जाती होगी, और घास बिना खूंटे पर भैंसी रह रह वहाँ रभाती होगी। और दूध चूल्हे पर रखा आ उबाल बह जाता होगा, क्या जो पहले करूँ सोच कर वह चिंगान हो जाती होगी। अब आप बताओ, क्या बतलाऊँ, क्या पहचान प्रिया की होगी। या ये कह लें, गोबर माटी सने हुए पग श्रम गंधा बिखराते होंगे, और भरी दोपहरी घाम चूटते घर वन एक लगाते होंगे, और अर्धरात्रि तक निपट पिटी सी सब जिंगास से खटती होगी, तब छिलका जला मरहम लीसे से अपने पेट लाती होगी। अब आप बताओ, क्या बतलाऊं, क्या पहचान प्रिया की होगी। गंगलोड़े पर बैठ नदी तट गीत सलोना गाती होगी, और गाड़ के मृदुपानी को पैरों से छलकाती होगी। कुछ दिन में आएंगे प्रीतम, गीत सलोना गाती होगी। आप बता दो, क्या बतलाऊं, क्या पहचान प्रिया की होगी। सैनिक कोई दूर मार्ग पर जब घर आता जाता होगा, मेरे प्रीतम की आँखियों को अपना सा लग जाता होगा, उसके हृदय की धक धक और अधिक बढ़ जाती होगी। आप बताइए, क्या बतलाऊं, क्या पहचान प्रिया की होगी। कभी दनेला कभी पटेला लगने से रह जाता होगा, और उधरा भीड़ा किसी खेत का चिन्ने से रह जाता होगा, और कभी हलिये से टिक टिक उसको करनी पड़ती होगी। अब आप बताओ, क्या बतला दूं, क्या पहचान प्रिया की होगी। शिखर शिखर ढक गए बर्फ से ठिठुर रहे हैं जंगल सारे, और दाना तिनका चले खोजने पाखी अपने पंख पसारे। गौ बच्चियों की घास खोजने वह भी बण को जाती होगी, और हाथ लपेटे फुचिन में अपने किटकिट दांत बजाती होगी। अब आप बताओ, क्या बतलाऊं, क्या पहचान प्रिया की होगी। या ये कह लें कि रंगोली के बुट्टों वाला उसका लाल पिछौड़ा होगा, और हरा घाघरा हरियाली का रंग वहाँ सरसाता होगा। पूनम के चंदासी झूली उसके नाक नथुली होगी। आप बता दो मेरे साथी, क्या पहचान प्रिया की होगी। चूक ऐसी डाली शिवनी में सजनी के सिंदूर सुहाए, और भ्रम में पड़ा भंवर जब आकर सजनी का माथा छू जाए, हा निलज्ज कहकर वह उसको खुद से दूर भगाती होगी। अब तुम बतला दो, क्या बतलाऊं, क्या पहचान प्रिया की होगी। उसकी कटकी मटक मनोहर नागिन लटी लटकती होगी, अस्त व्यस्त सी गुंधी धवेली बल खाती लहराती होगी। मेरी छवि सिरहाने रख कर बांवरी वह बतियाती होगी, नहीं खबर ना पाती कोई कैसे है वो कहती होगी। आप बता दो, क्या बतला दूँ, क्या पहचान प्रिया की होगी। या वह हंसिया के कोने से मिट्टी पर कुछ लिखती होगी, मेरा नाम लिखा होगा, और अपलक उसे निहारी होगी। कुछ दिन में आ जाएंगे वह अपने सवन सजाती होगी, खुशियाँ भरी अश्रुधाराएँ आँखों से बह जाती होंगी। अरे आप बता दो, क्या बतला दूँ, क्या पहचान प्रिया की होगी। या औरों की भांति उबेणा, जिससे वो संदेश ले जाने की बात करता है, या औरों की भांति उबेणा बार बार क्या मुझे छलोगी, लेकिन क्या कह दूँ मैं तुमको, क्या पहचान प्रिया की होगी। और कभी कभी मैं ठगा ठगा सा तुम्हें देख कर रह जाता हूँ, कभी कभी मैं ठगा ठगा सा तुम्हें देख कर रह जाता हूँ। असिण पसिण हो जाती मुझको, पास नहीं तुमको पाता हूँ। बीत रही जो मुझ पर सुन लो, सिवा तुम्हारे अपना कौन। सांसें टिकी हुई हैं तुम पर, सच कहता हूँ बहना पौन। तुमने बहना कभी प्रीत की नहीं, अगर तो तुम क्या जानो। प्राणहीन एक देह हो रही, थोड़ा कहा इधर भी मानो। इसी पीर में सनी पगी सी उस घायल को तुम पाओगी। अब आप बताओ क्या बतला दूँ, क्या पहचान प्रिया की होगी। देखो यह सावन की रिमझिम झुणमुण रसवंती फुहार है, देखो यह सावन की रिमझिम झुणमुण रसवंती फुहार है। धूप छाह का खेल चल रहा, सतरंगी बरखा बहार है। ऐसी ऋतु में मधुर मिलन की आस लगाए बैठी होगी। नहीं बन रही बात कोई भी, क्या पहचान प्रिया की होगी। यह खेलें दणदण पड़ती सतलड़ियों में, दणदण पड़ती सतलड़ियों में, इंद्रधनुष की सतझड़ियों में, रंगीले उस देश में मेरे भीग भीग वह निजुत्त होगी। डोर खेलते गौबछियों की ग्वालन बनकर फिरती होगी। तप में लीन तपस्वी जैसी वह उड्यार में बैठी होगी। आप बताओ क्या बतलाऊं, क्या पहचान प्रिया की होगी। चतुर्मास इठला इठला कर दिशा दिशा में नर्तन रत है, चतुर्मास इठला इठला कर दिशा दिशा में नर्तन रत है। चंद इंद्रचाप में चढ़ी प्रतिंचा प्रकृति सुंदरी का शोभित है। नख सिख सुगढ़ रूप मनमोहन, नख सिख सुगढ़ रूप मनमोहन, रंगोली सी कौन है छाई, छोटे अमृत जल मनकों की ये घाघरिया किसने छलकाई। शुभ अवसर स्वागत कैसे हो, इसी प्रश्न में उलझी होगी। कब आवे परदेसी उसका, क्या पहचान प्रिया की। पिहू पिहू के गीत सगुन स्वर, पिहू पिहू के गीत सगुन स्वर, गाती उड़ती डाली डाली, जंगल में मंगल कर देती पता नहीं कैसी मतवाली। कभी निकट तो आती मेरे, मेरा पागलपन सुन जाती, केवल अपनी रटन लगाकर मन का बोझ बढ़ा ही जाती। जब सागर सी लहरें उठती हैं धान मादिरों के खेतों में, सागर सी लहरें उठती हैं धान मादिरे के खेतों में, जवा कुसुम खिल जाते होंगे प्रीतम के मन की क्यारी में। उसका सम उसकी आशाएं कणकण में फल जाती होगी। शुभ श्रृंगार देख मन ही मन, वह अति ही अफुला जाती होगी। एक शब्द है अफुली जाणकुनी, हमारे पहाड़ी में कहते हैं। उसका श्रम उसकी आशाएं कण कण में फल जाती होंगी। शुभ श्रृंगार देख मन ही मन, वह अति अफुली जाती होगी। अब आप बता दो क्या बतला दूँ, क्या पहचान प्रिया की होगी। या छंद बदल करके है कि बुग्यालों में बिछी मखमली कालीनों में, बुग्यालों में बिछी मखमली कालीनों में, कस्तूरी मृग भरे कुलाचे नर्तन करते, वसुंधरा का मानो वह अभिनंदन करते, छोटे छोटे मोहिल छोरे उछल कूद कर। और हंस मानस के मोहिल पंख पसारे, और हंस मानस के मोहिल पंख पसारे, परियों से लगते हैं जैसे स्वप्नलोक में। खो मत देना अपनी सुदबुद वहाँ कहीं तुम, वरना जहाँ तुम्हें जाना है बहुत दूर है। वहीं वेदनी रचे गए थे वेद, जहाँ पर पतित पावनी भागीरथी भी हुई प्रवाहित, और आदि पुरुष मन ने भी चिंतन वहीं किया था। वहीं हिमशिखर सबसे ऊंचा विश्व मुकुट है। कि वहीं वेदनी रचे गए थे वेद, वहाँ पर पतित पावनी भागीरथी भी हुई प्रभावित प्रवाहित, आदि पुरुष मन ने भी चिंतन वहीं किया था। वहीं हिमशिखर सबसे ऊंचा विश्व मुकुट है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों से सिंचित, गंगा यमुना सरस्वती तीनों से सिंचित, शिव अलकों सी कोटि कोटि बहती सरताएं। गंगा यमुना सरस्वती तीनों से सिंचित, शिव अलकों सी कोटि कोटि बहती सरताएं। हरण कर रही कलिमल का यो जो युगों युगों से, वही हमारी देवभूमि उत्तराखंड है। किंतु विडंबना तो देखो उस धरती की, किंतु विडंबना तो देखो उस धरती की, जहाँ पानी और जवानी बहती ही जाती है, यही नियति ने क्या मेरे भी नाम कर दिया, यही नियति ने क्या मेरे भी नाम कर दिया। कभी कभी मैं यही सोचता रह जाता हूँ।